प्लाज्मा के अलावा जो दूसरा मेन कंपोनेंट ब्लड के अंदर मौजूद होता है वो है ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स जो है तकरीबन 45% ऑफ ब्लड वजन के हिसाब से सेल्स पर मुश्तमिल होता है ब्लड। और ब्लड सेल्स तीन तरह के होते हैं। पहली तरह के सेल्स जो हैं, जो हमने सबसे कॉमनली सुने हुए हैं, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो सुर्ख रंग के सेल्स होते हैं, इनको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और एरिथ्रो का बेसिकली मतलब रेड ही होता है और साइट कहते हैं सेल को, तो एरिथ्रोसाइट का लफ्जी मतलब है रेड सेल्स। इसके अलावा ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूको का मतलब व्हाइट होता है और साइट का मतलब सेल है, तो ये व्हाइट सेल्स ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। और इसके अलावा तीसरी किस्म का जो सेल है, बेसिकली ये सेल तो नहीं होते, सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और इनको हम अब डिटेल में देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं बेसिकली बाइकनकेव डिस्क की फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये दरमियान से थोड़े से पिचके हुए होते हैं और साइडें इनकी किनारे जो हैं वो जरा मोटे होते हैं, गोल सा ये सेल होता है। और तादाद में सेल्स, रेड ब्लड सेल जो है तादाद के लिहाज से ब्लड सेल्स की सबसे ज्यादा मिकदार में पाए जाने वाले सेल्स हैं। मेल्स में तकरीबन 5 to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं 1 ml ब्लड में, यानी कि अगर आप सिर्फ 1 ml ब्लड लें तो उसमें 50 से 55 लाख रेड ब्लड सेल्स मौजूद होंगे। फीमेल्स के अंदर यह तादाद थोड़ी सी कम होती है और उनके अंदर 40 से 45 लाख के करीब रेड ब्लड सेल्स होते हैं 1 ml ऑफ ब्लड के अंदर। इन सेल्स के अंदर शुरू में तो न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन बाद में जब ये सेल्स मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इनका न्यूक्लियस खत्म कर दिया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो जाया ना हो, बल्कि उसको किसी और काम में गैसेस की ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब ये इन सेल्स के अंदर तकरीबन 95% हिस्सा जो है वो एक स्पेशल प्रोटीन ने लिया हुआ है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीम बेसिकली ब्लड को कहते हैं और ग्लोबिन से मुराद यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में पाई जाती है, और इसका मेन पर्पस बेसिकली ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना है। ये ऑक्सीजन के साथ बड़ी टाइटली बाइंड कर सकती है और उसको फिर लंग्स से आपकी बॉडी के तमाम टिश्यूज तक, जहां जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पे इसको पहुंचाती है। बाकी 5% रेड ब्लड सेल्स के अंदर तकरीबन 5% साल्ट्स और एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब ये रेड ब्लड सेल्स बेसिकली बनते हैं रेड बोन मैरो में, यानी कि हड्डियों का जो गूदा होता है और जो सुर्ख रंग का हड्डियों का गूदा होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी सीने की जो दरमियान वाली हड्डी है, इसके अलावा आपकी जो सीने की रिब्स होती हैं, इसके अलावा वर्टिब्री के अंदर, तो मेनली आपका जितना भी ब्लड है वो इन जगहों पे बनता है। इसके मुकाबले में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो वहां पे रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम लिवर और स्प्लीन करते हैं। रेड ब्लड सेल्स एक दफा मेच्योर हो जाएं तो दोबारा कभी डिवाइड नहीं करते, यानी कि अब जब फुल साइज में ग्रो हो जाएं और स्पेशलाइज हो जाएं, अपना काम करना शुरू कर दें, तो फिर डिवाइड नहीं करते। और इनकी एवरेज लाइफ तकरीबन 4 महीने की होती है, और 4 महीने के बाद, अपनी लाइफ कंप्लीट करने के बाद, ये सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है और ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। फिर लिवर और स्प्लीन बेसिकली इन डेड सेल्स को ब्लड से रिमूव कर देती है, या फिर इसको वाइट ब्लड सेल्स की एक स्पेशल टाइप जिनको हम फेगोसाइट्स कहते हैं वो इनको खा के रिमूव कर देते हैं। मेन फंक्शन रेड ब्लड सेल्स का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट करना है। इसके अलावा दूसरी तरह के सेल्स जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स कहलाते हैं। अब ये वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली वाइट नहीं होते, कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन आमतौर पर मौजूद नहीं होता। इनकी तादाद वाइट ब्लड सेल्स की निस्बत कदरे कम होती है, 1 ml ब्लड में तकरीबन 7,000 से 8,000 व्हाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं।
इसके अलावा ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं रेड ब्लड सेल्स से तकरीबन काफी बड़े होते हैं, 2 गुना 3 गुना तक बड़े हो सकते हैं। इनका मेन फंक्शन बेसिकली बॉडी का डिफेंस करना है डिजीज काजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट, यानी कि जो बैक्टीरिया और वायरस आपकी बॉडी में खामोशी से दाखिल होकर बीमारी काज करने की कोशिश करते हैं या हमारा फूड चुराने की कोशिश करते हैं, तो उन बैक्टीरिया और वायरसेस को ढूंढ के उनको किल करना वाइट ब्लड सेल्स का काम है। ये बेसिकली हमारी बॉडी की पुलिस है जो माइक्रोब्स को पकड़ पकड़ के रिमूव करती है। अब ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उनको आप शेप ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की शेप कैसी है या उसके सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, दाने मौजूद हैं साइटोप्लाज्म में या नहीं मौजूद, उसकी बेस पे आप इनको 5 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, 5 डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब ये बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ओवरऑल 2 मेजर ग्रुप्स, 2 मेजर किस्म के होते हैं। पहली किस्म के सेल्स जो हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स कहलाते हैं और दूसरी किस्म के व्हाइट ब्लड सेल्स ए ग्रेन्यूलोसाइट्स कहलाते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स आपको ये जो पहले 3 इस कॉलम के अंदर नजर आ रहे हैं, इनके अंदर आप साइटोप्लाज्म में देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे से मुख्तलिफ कलर के डॉट्स आपको छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं, तो ये बेसिकली ग्रेन्यूल्स हैं और इन ग्रेन्यूल्स की वजह से इन सेल्स को हम ग्रेन्यूलोसाइट यानी ग्रेन्यूल वाले सेल कहते हैं। उसके मुकाबले में दूसरी किस्म के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये ए ग्रेन्यूलोसाइट कहलाते हैं। किसी चीज के शुरू में, किसी नाम के शुरू में ए अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है विदाउट, तो ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। ग्रेन्यूलोसाइट्स बेसिकली रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं, मेनली आपकी टांगों के और जो टांगों के अंदर, टांगों की हड्डियों में गूदा होता है तो उसके अंदर ये बनते हैं और इनको बनाता है, ये 3 तरह के होते हैं सॉरी, और नाम है इनके न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसके अलावा ए ग्रेन्यूलोसाइट जो है वो लिम्फाइड टिश्यूज में, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के जो टिश्यूज हैं स्प्लीन और टॉन्सिल्स वगैरह उनके अंदर बनते हैं, और ये 2 मेन टाइप्स हैं इनकी। पहली टाइप मोनोसाइट कहलाती है और दूसरी टाइप लिम्फोसाइट कहलाती है। अब इनको हम हर सेल को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स नाम से जाहिर है, न्यूट्रो कहते हैं न्यूट्रल के लिए और फिल कहते हैं लाइक पसंद करना, न्यूट्रो न्यूट्रल के लिए, तो न्यूट्रोफिल्स बेसिकली न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल यानी कि ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल डाइज से स्टेन किए जा सकते हैं, यानी कि अगर आप ब्लड का सैंपल लें और उसको उसकी स्लाइड बनाएं और उसके ऊपर कोई न्यूट्रल डाई डाल दें तो उससे ये स्टेन होंगे और आपको माइक्रोस्कोप में कलर्ड नजर आएंगे, तो इस वजह से इनको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। इनका साइज तकरीबन रेड ब्लड सेल्स से दुगना होता है और इनके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस 2 लोब्स में डिवाइड, लोब्स में 2 बड़े बड़े से लम्प्स के अंदर डिवाइडेड होता है जिस तरह के ये आपको नजर आ रहा है, और ये आपस में ये न्यूक्लियस जो है कनेक्टेड भी है दोनों लोब्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का तकरीबन 62% जो है वो न्यूट्रोफिल्स पर मुश्तमिल होता है और इनका मेन फंक्शन ब्लड के अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स को खा के रिमूव करना होता है, जो गैर जरूरी ब्लड के अंदर चीजें होती हैं उनकी फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। इसके अलावा दूसरी किस्म के वाइट ब्लड सेल्स ग्रेन्यूलोसाइट्स की दूसरी टाइप ईओसिनोफिल कहलाती है। इनको हम ईओसिनोफिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक डाई जिसको ईओसीन कहते हैं जो आप स्टेनिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं, तो ये ईओसीन के साथ बड़ी अच्छी तरह से अटैच हो जाते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से ये कलर हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको हम ईओसिनोफिल कहते हैं। और इनका भी साइज तकरीबन रेड ब्लड सेल्स से डबल होता है और इनके न्यूक्लियस में आमतौर पे 2 या 3 लोब्स होती हैं और वाइट ब्लड सेल्स का तकरीबन 2% हिस्सा जो है वो ईओसिनोफिल्स पर मुश्तमिल होता है। इनका मेन फंक्शन बेसिकली इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को रिमूव करना होता है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है इसको हम आगे चल के देखते हैं। बेसिकली ये भी डिफेंस का एक मैकेनिज्म है बॉडी का, और इनका मेन फंक्शन पैरासाइट्स को अटैक करके
यानी कि लिवर फ्लूक या प्लाज्मोडियम या इस तरह के दूसरे जो पैरासाइट बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो उनको रिमूव करना है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स की तीसरी टाइप बेसोफिल्स कहलाती है, और ये बेसोफिल्स भी रेड ब्लड सेल्स से तकरीबन साइज में दुगने बड़े होते हैं, और तादाद के लिहाज से तकरीबन वाइट ब्लड सेल्स का 1% से भी कम हिस्सा बनाते हैं। और ये दो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। पहला सब्सटेंस हेपरिन कहलाता है। हेपरिन का फंक्शन ये होता है कि नॉर्मली जब ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है तो वहां पे कहीं अचानक से ब्लड क्लॉट ना हो जाए, तो उस क्लॉटिंग को रोकने के लिए हेपरिन प्रोड्यूस किया जाता है, और ये हेपरिन बेसोफिल्स से बनता है। एक और इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो हिस्टामिन कहलाता है, और ये हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन काज करने का बायस बनता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टाइप वाइट ब्लड सेल्स की मोनोसाइट्स कहलाती है, और ये मोनोसाइट्स तकरीबन वाइट ब्लड सेल्स से 2 या 3 गुना सॉरी रेड ब्लड सेल्स से 2 या 3 गुना बड़े होते हैं, और इनका न्यूक्लियस आमतौर पे गोल या लोब्ड नजर आता है, और ये वाइट ब्लड सेल्स का तकरीबन 3% हिस्सा मोनोसाइट्स पर मुश्तमिल होता है। इनकी लाइफ आमतौर पे बहुत थोड़ी सी होती है, ये आमतौर पे 10 से 20 घंटे के लिए ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, और उसके बाद ये मैक्रोफेजिस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मैक्रोफेज का मतलब है, मैक्रो कहते हैं बड़ा बड़े को, और फेज कहते हैं खाने वाला। तो ये मैक्रोफेज काफी बड़े साइज के सेल्स हैं, और इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ खाना है। खाते किसको हैं? बैक्टीरिया और वायरसेस और जो भी दूसरी खतरनाक चीजें आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगी, तो उनको ये पकड़ पकड़ के खाते रहते हैं। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स की एक और टाइप लिम्फोसाइट कहलाती है। लिम्फोसाइट इनको कहते हैं क्योंकि ये लिम्फ के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका साइज भी रेड ब्लड सेल से थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसको अगर आप सेल को देखें तो इस सेल का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ न्यूक्लियस ने कवर किया हुआ होता है, और ये वाइट ब्लड सेल्स की तकरीबन 32% पॉपुलेशन जो है वो लिम्फोसाइट्स पर मुश्तमिल होती है, और इनका फंक्शन बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएट करना है। ये एक्चुअली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक दफा बैक्टीरिया और वायरस आपकी बॉडी में दाखिल हो जाए तो दोबारा कभी वो एंटर होने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ ये प्रोटेक्शन आपको देते हैं। और इनकी लाइफ जो है वो कई कई साल होती है, और कई लिम्फोसाइट जो है वो तकरीबन आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहते हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन जो है वो डिफेंस है। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स बेसिकली ये दोनों जो सेल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर। खून की जो बारीक बारीक नालियां होती हैं उनके अंदर ये कॉन्स्टेंटली फिर रहे होते हैं, और जिस तरह पुलिस रात को वो गाड़ियों में बैठ के चेक कर रहे होते हैं, तो इसी तरह ये भी गलियों में और सारी जगहों पे फिर रहे होते हैं। और अगर किसी जगह पे किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से कोई जख्म हो गया है, या आपको कोई कट लग गया और उससे कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा, तो ये फौरन वहां पे पहुंच जाते हैं, और फिर जितने भी बैक्टीरिया वहां पे एंटर होने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये कैंसर सेल्स को भी, अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उन कैंसर सेल्स को रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। और बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल इसी दौरान में जो है वो बैक्टीरिया के साथ जंग करते हुए वो मारे भी जाते हैं, और इस वजह से आपको जो है वो बाज दफा जख्म की जगह पे या स्किन के ऊपर जो पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं तो वहाँ पे एक येलो कलर का मैस नजर आता है जिसको हम पस कहते हैं, और ये एक्चुअली डेड वाइट ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। पिंपल या जख्म की साइड कहीं पे आपको खराश आ जाए तो आप देखेंगे कि उसके इर्द गिर्द का एरिया आमतौर पे रेड हो जाता है। ये रेड पार्ट जो है ये इन्फ्लेमेशन कहलाता है। इन्फ्लेमेशन का लफ्जी मतलब जिस तरह फ्लेम से निकला हुआ है, जिस तरह फ्लेम आमतौर पे जो मोमबत्ती का शोला होता है वो रेड से कलर का होता है, और अगर आप उसे टच करें तो वो गर्म भी होता है, तो इसी तरह कभी आपको शहद की मक्खी डंग मार जाए या आपको कोई
खराश लग जाए तो उस जगह पे वो वक्ती तौर पे वो हिस्सा जो है काफी रेड सा हो जाता है और गर्म भी हो जाता है। तो उसको गर्म होने को और रेड होने को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और बेसिकली वहां पे होता क्या है कि वहां पे सारी बॉडी से फिर व्हाइट ब्लड सेल्स उस जगह पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई इंजरी हुई है, कोई नुकसान हुआ है, और ये नुकसान किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से तो नहीं हुआ है। वो उसको चेक करने के लिए फिर सारे व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पे जमा होते हैं और वो आपकी बॉडी को डिफेंड करने का काम करते हैं। इसके अलावा बेसोफिल्स का काम, बाज दफा ये इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में। मसलन बाज लोगों को पॉलन ग्रेन से एनर्जी होती है या और दूसरी इस किस्म की चीजें। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक वगैरह में इरिटेशन काज करते हैं, तो उन चीजों के खिलाफ ये बेजोफिल्स फिर हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, और उसकी वजह से फिर वहां पे वही सारा सिस्टम के मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स आके डिफेंस का काम शुरू कर देते हैं। ब्लड सेल्स के अंदर तीसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो प्लेटलेट्स कहलाते हैं। और प्लेटलेट्स हमने बात की थी कि एक्चुअली सेल्स नहीं होते बल्कि एक काफी बड़े किस्म का सेल होता है ब्लड के अंदर, जिसको हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। मेगा कहते हैं बड़े को और कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को और साइट कहते हैं सेल को। तो मेगा कैरियोसाइट बेसिकली बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिनके अंदर काफी बड़े बड़े से न्यूक्लियस होता है बड़े साइज का। तो इससे मेगा कैरियोसाइट के अंदर फिर छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स, टूट के मेम्ब्रेन बाउंड फ्रैगमेंट्स ब्लड के अंदर शामिल होते रहते हैं, जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और ये प्लेटलेट्स, इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही कोई पिगमेंट होता है, और ये ब्लड के अंदर तकरीबन काफी ज्यादा मिकदार में होते हैं। पर एमएल ब्लड के अंदर तकरीबन 2.5 लाख के करीब प्लेटलेट्स मौजूद हो सकते हैं। और प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के अंदर होता है। ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली कन्वर्ट करते हैं फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। अगर किसी जगह पे जख्म हो जाए, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ब्लड कैपिलरी है और ब्लड कैपिलरी के अंदर यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लड कैपिलरी पंक्चर हो गई है, तो उस जगह पे ये प्लेटलेट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, उस फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और ये फाइब्रिन जब इस जगह पे जमा होना शुरू हो जाएगी तो इस तरह ये एक जाला सा बना देगी, और इस जाले के अंदर फिर काफी सारे रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जमा हो जाए, फंस जाएंगे, और उसकी वजह से एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा। और उसकी से क्या होगा कि फिर ये जो सुराख हुआ था, पंक्चर हुई थी ब्लड वेसल, इससे ब्लड लॉस नहीं होगा, जख्म से ब्लड लॉस नहीं होगा, और उसकी वजह से आपका कीमती खून जो है वो जाया होने से बच जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी की है डिटेल में कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, और उसमें हमने बात की कि ब्लड के अंदर दो मेन चीजें होती हैं, 55% प्लाज्मा होता है, 45% सेल्स होते हैं। इन दोनों को सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए से अलग किया जा सकता है। जो प्लाज्मा है इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिजॉल्व होती हैं, मिसाल के तौर पे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट मटेरियल्स वगैरह। और इसके अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम ब्लड सेल्स कहते हैं। ब्लड सेल्स की दो मेजर टाइप्स हैं, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का काम बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करना है, और इनके अंदर वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये हीमोग्लोबिन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके मुकाबले में व्हाइट ब्लड सेल्स का काम बेसिकली बॉडी का डिफेंस करना है। और व्हाइट ब्लड सेल्स 5 किस्म के होते हैं, नेमली न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और इसके अलावा आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू।